क्या आप भी सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं? आप उनको बिजनेस पार्टीज, कॉन्फ्रेंस में कॉन्फिडेंटली बात करके देखते हैं और सोचते हैं, काश मैं भी ऐसे बोल सकता। क्या आपको लगता है सिर्फ उन्हीं को अच्छी जॉब्स, बढ़िया पार्टनर्स और इंटरेस्टिंग दोस्त मिलते हैं? फ्रेंड्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, वो लोग आपसे ज्यादा अच्छे दिखते हों। बट एक बात जरूर पक्की है कि उन लोगों को एक चीज आती है, वो है लोगों से कनेक्ट करने की कला। और सबसे जरूरी बात, आप भी ये सीख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरितोष श्रीवास्तव, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लेके आए हैं एक नई सीरीज जिसमें हम दुनिया की अच्छी अच्छी किताबों का सार बुक समरी के रूप में आपको देने वाले हैं, ताकि आप उनसे सीख सकें, ताकि आप और अच्छे बन सकें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप और कौन सी बुक्स की समरी चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनी वन, 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस। इस बुक को लिखा है मैम लेल लॉन्डिस ने, ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर है। ये बुक पहली बार 1999 में पब्लिश हुई थी, लेकिन तब से लेके आज तक लगभग 23 साल हो गए हैं। इस बुक ने इतने सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल हैव लर्न फ्रॉम दिस, बहुत सारे लोगों ने इसे सीखा। इसमें जो टिप्स दिए हुए हैं वो आज भी उतने ही रेलिवेंट है, आज भी उतना ही काम करते हैं। इस बुक्स में जो टिप्स दिए हैं उसको आप यूज करके स्मार्ट दिख सकते हैं, लोगों पे अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं और लोगों से डीपली कनेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी बुक 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आज इस वीडियो में हम पहले 2 पार्ट्स को, जिसमें मेरे 5 फेवरेट टिप्स हैं, उनको हम बताने वाले हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, फ्लडिंग स्माइल। अगर आप किसी के साथ डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जेन्युइन कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि वो जब आपको देखे, आपसे मिले, तो उसको लगे यार क्या बंदा था, अच्छा लगा मिलके, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो प्लास्टिक स्माइल लेके मत जाइए। मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, आप मिलने के पहले ही आप देखेंगे कि वो पहले ही स्माइल कर रहे हैं और आपको लगेगा क्यों फेक स्माइल कर रहे हो, मुझे पता है यू आर नॉट हैप्पी टू सी मी। तो अगर आप किसी से जेन्युइनली मिलना चाहते हैं, ये प्लास्टिक स्माइल मत रखिए। किसी से मिलिए, हैंडशेक करिए, नमस्ते करिए, सलाम करिए, उसके बाद 1-2 सेकेंड लीजिए, उसके चेहरे को देखिए और फिर जेन्युइन स्माइल करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली पता चलता है कि नहीं, आप सही में कनेक्ट करना चाहते हैं और वो आपका ब्रह्मास्त्र हो सकता है। तो यूज फ्लडिंग स्माइल। नंबर 2, लिमिट द फिजिट। आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे तो आप देखे होंगे ऐसे, कभी वो पेन को ऐसे कर रहे हैं, कभी फोन ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे बाल खुजला रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो बात की वैल्यू है वो गिर जाती है, आपकी वैल्यू गिर जाती है। तो सेकंड टिप जो मैं देना चाहता हूँ, इस बुक से मैंने सीखा है, इसको कहते हैं लिमिट द फिजेट। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आप कोई सीरियस बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने हाथों से, अपने चेहरे पे, फोन पे, पेन पे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन मत करिए। अपने हाथों का यूज करना है तो जेस्टर्स के लिए करिए, अदरवाइज उसको साइड में रखिए, बट डोंट फिजिट, लिमिट द फिजिट। नंबर 3, द मूड मैच। मूड मिलाइए लोगों से जब आप मिलने, अगर आप किसी से पर्सनली या ग्रुप में मिलने जा रहे हैं, किसी पार्टी में, कॉन्फ्रेंस में, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, तो पहले थोड़ा टाइम दे के समझिए कि लोगों का मूड कैसा है। लोग एक्साइटेड हैं, लोग बोर्ड हैं, लोग दुखी हैं, और जो लोगों का मूड है उस मूड को मैच करिए। पढ़ करिए, आप कहीं जा रहे हैं जहां पे लोग बहुत ही ज्यादा बोर होके आ रहे हैं किसी मीटिंग से, उस टाइम पे आप जाके बोले यस क्या बात है, मजा आ गया इस मीटिंग में, तो लोग आपसे थोड़े अलग हो जाएंगे। लेकिन आप भी बोले यार थोड़ा सा तो बोरिंग आपको भी लग रहा था क्या, एंड उससे क्या होगा, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर लोग बहुत एक्साइटेड कॉन्फ्रेंस से होके आ रहे हैं और आप भी बोले क्या यार मजा आ गया, बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस था, तो लोग भी कहेंगे हाँ यार मैंने भी ये सीखा ये जाना, एंड वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लोगों का मूड मैच करना है, दैट इज द टिप नंबर 3। नंबर 4, और ये टिप जो है बहुत सारे सक्सेसफुल सेल्स पर्सन यूज करते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, जहां पे वो ब्लैंक हो जाते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे क्या बोलना है, आप ब्लैंक हो गए, तो ये टेक्निक एक रामबाण की तरह काम कर सकती है। इसको कहते हैं पैरटिंग। जैसे तोता होता है, आप जो बोलते हैं तोता उसको रिपीट करता है, उसी तरह से
जब आपको नहीं पता है कि आपको क्या बात करनी है, तो जो सामने वाले ने लास्ट सेंटेंस बोला उसके लास्ट के कुछ वर्ड्स को आप रिपीट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से मिला और मैंने बोला रात मैंने कल रात को थ्री इडियट फिर से देखी, तो फिर बोल सकते हैं थ्री इडियट फिर से देखी, हाँ मैं 15 बार देख चुका हूँ फिर भी मुझे मजा आता है, फिर भी मजा आता है, हाँ इतनी अच्छी मूवी, इतना अच्छा प्लॉट है, इतनी अच्छी एक्टिंग है, और उसमें जो क्लाइमेक्स है वो तो बहुत सही है, क्लाइमेक्स बहुत सही है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से ये कॉन्वर्जेशन बढ़ता जाएगा और तब तक आप ग्रिप में आ सकते हो, तब तक आपके पास आ सकता है कि आपको आगे क्या बात करनी है। तो बहुत ही कारगर टिप है, आप यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड पैरेटिंग टिप नंबर 4। और आज की फाइनल पांचवी टिप है, उसको कहते हैं द लेटेस्ट न्यूज डोंट लीव होम विदाउट इट। अगर आप कहीं भी नई जगह पे जा रहे हैं, आप किसी भी लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो 5 मिनट, जी हाँ सिर्फ 5 मिनट, पूरा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट आप न्यूज देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप रेडियो पे सुन लीजिए, आप वेबसाइट पे देख लीजिए, आप चाहे तो टीवी पे देख लीजिए हेडलाइंस, बट पता करके जाइए कि क्या हो रहा है इस लोकल शहर में, क्या हो रहा है स्टेट में, क्या हो रहा है। जब आप जानते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, आपके पास कोई टॉपिक रहता है बात करने का, कि आप बोलो अरे वाह आपको पता है वहां पे एक नई दुकान खुली है। जब आपके पास ऐसे टॉपिक होते हैं तो आप कभी भी ऑकवर्ड नहीं होते हैं कि वो साइलेंस आ गया, आपके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। तो इनपुट लीजिए यूजिंग न्यूज। तो ये थे 5 टिप्स फ्रॉम द बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन। फिर से एक समरी देता हूँ। टिप नंबर 1 द फ्लडिंग स्माइल, नंबर 2 लिमिट द फिजेट, नंबर 3 द मूड मैच, नंबर 4 पैरटिंग, नंबर 5 लेटेस्ट न्यूज डोंट लीव होम विदाउट इट। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको इन पांचों टिप में से कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो प्लीज कमेंट में ये भी लिखेगा। जब तक हमें 10 कमेंट नहीं मिलेंगे हम इसका पार्ट 2 नहीं बनाएंगे। तो मुझे तो ये वीडियो करके बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज लोगों के साथ ये शेयर करिए। एंड एज आई से एवरी टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दिस इज हरितोष, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।